हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं रासायनिक बंध का भाग दो। पहले भाग में हमने देखा था कि आयनिक बंध क्या होता है, बंध कैसे बनते हैं। आज हम लोग आयनिक बंध बनने के लिए आवश्यक शर्तें, आवश्यक कारक का हम लोग अध्ययन करेंगे और हाँ उसके बाद सहसंयोजक बंध भी पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आयनिक बंध निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों इसका आयनिक बंध क्या होता है, कैसे बनता है, इसका मिलिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, आप वहां से भाग वन इसका पार्ट वन भाग वन देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कि वो कौन से कारक हैं जो आयनिक बंध को प्रभावित करते हैं। आपको पता है कि जो आयनिक बंध होता है वो बनता है दाता परमाणु और ग्राही परमाणु के बीच, यानी एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। एग्जांपल उदाहरण याद कीजिए, हमने आपको पता है कि Na के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये देखिए Cl के बाह्यतम कोष में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जब Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तब जाके बनता है हमारा NaCl। तो यहाँ पे देखिए Na के ऊपर आया है धनावेश और Cl के ऊपर आया है ऋणावेश और इन दोनों के बीच लगता है तीव्र आकर्षण बल। तो ये हुआ हमारा आयनिक बंध का निर्माण। क्लियर है आपको। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये जो पाएंगे Na जो है वो दाता परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Cl यहाँ पे क्या है ग्राही परमाणु है जो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है दाता परमाणु की जो प्रवृत्ति है, जो उसकी नेचर है, वो इलेक्ट्रॉन देने वाली होनी चाहिए। बच्चों एक इलेक्ट्रॉन सरलता से देता है, एक थोड़ा सा मुश्किल से देता है। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन सरलता से देगा यानी कि उसके ऊपर प्रबल धन विद्युतीय इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक से अधिक होनी चाहिए ताकि वो जल्दी से क्या बन जाए Na प्लस यानी कि Na धनायन बन जाए। तो पहला पॉइंट यही है कि दाता परमाणु के प्रवृत्ति जो है वो प्रबल धन विद्युतीय यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि ग्राही परमाणु यानी Cl की बात, यहाँ पे Cl क्या है ग्राही परमाणु का एग्जांपल है और इसकी जो प्रकृति है जो उसकी आदत है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाली होनी चाहिए। जब ये इलेक्ट्रॉन सरलता से लेगा, जल्दी लेगा तो ये जल्दी ही ऋण विद्युतीय आयन में बदल जाएगा। क्रिस्टल जालक ऊर्जा उच्च होने चाहिए, जो यहाँ पे Na और Cl से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे Na धनायन और Cl धनायन आपस में तीव्र विद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं और इस तीव्र विद्युत आकर्षण बल को बोलते हैं आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने बहुत सारे धनायन Na धनायन और बहुत सारे Cl ऋणायन आपस में जुड़े हुए हैं। Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस एक निश्चित अंतराल पे आपस में जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक। तो आपने देखा हुआ सैन्य नमक जो होता है वो ठोस होता है और ठोस के अंदर क्या होता है Na धनायन और Cl ऋणायन एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं और इनके बीच एक तीव्र विद्युत आकर्षण बल लगता है जिसको बोलते हैं आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध। क्लियर है। जो डॉटेड लाइन है बच्चों ये बल है और इसी को बोलते हैं आयनिक बंध, क्योंकि ये आयनों को विपरीत आयनों को जोड़ के बांध के रखता है। अब हमने कहा है तीसरा पॉइंट क्रिस्टल जालक ऊर्जा उच्च होनी चाहिए यानी कि इनके बीच लगने वाला आयनों को बांधने वाला आकर्षण बल अधिक होना चाहिए। इसी ऊर्जा को बोलते हैं क्रिस्टल जालक ऊर्जा। ये जितनी अधिक होगी उतना ही आयन दृढ़ता से बंधे होंगे और उतना ही जल्दी आयनिक बंध बनेगा। क्लियर है आपको। अब बात करते हैं दाता परमाणु की आयनन ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए। आपको पता है कि यहां से हमको Na से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, Na जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तब ये बनेगा Na धनायन। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा और ये ऊर्जा जितनी कम होगी उतना ही ये जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। और बच्चों जितनी आयनन ऊर्जा अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉन सरलता से बाहर नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन सरलता से बाहर नहीं आएगा धनायन नहीं बनेगा और आपका बंध भी नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक कब होगी, कब ये प्रबल धन विद्युतीय होगा, जब इलेक्ट्रॉन सरलता से निकालेगा, इलेक्ट्रॉन सरलता से तभी निकालेगा जब Na की आयनन ऊर्जा कम होगी। क्या आपको क्लियर है। तो बच्चों ये चार पॉइंट हमने डिस्कस किए, ये चार मुख्य कारक हैं जो आयनिक बंध
बनाने के लिए सहायक होते हैं और ये हमेशा इसके बनाने में मदद करते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं सह संयोजक बंध की। यह बंध दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के बराबर की साझेदारी से बनता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उदाहरण है डाइहाइड्रोजन H2Cl2H2O O2 N2 CH4 CH3 OH आदि। ये सारे जो यहाँ पे यौगिक लिखे हुए हैं, जो पदार्थ लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे सहसंयोजक यौगिक हैं, सहसंयोजी पदार्थ हैं। क्योंकि यहाँ पे जो परमाणु जुड़े हुए हैं इनके मध्य बनने वाले बंध का नाम है सहसंयोजक बंध। तो अब लेते हैं बच्चों H2 अणु का निर्माण। H2 जो हमारा यौगिक होता है, H2 गैस जो होती है, कैसे बनती है? आपको पता है कि H का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो 1s1 होता है, यानी कि इसके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। ये पूर्ण नहीं है, स्थायी नहीं है, क्योंकि अष्टक नियम के अनुसार इसके बाह्यतम कोष में दो इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, लेकिन अभी कितना दिखाई दे रहा है, एक। तो एक एच परमाणु कक्षक आया, इधर से दूसरा एच परमाणु कक्षक आया। H2 के अंदर दो परमाणुओं के मध्य रासायनिक क्रिया होनी बाकी है, तो एक एच इलेक्ट्रॉन साथ आता है और दूसरा एच परमाणु कक्षक दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ आता है, क्योंकि एक एच के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये करते हैं अतिव्यापन। तो बच्चों अतिव्यापन में क्या होता है कि दोनों परमाणु अपने अपने कक्षकों का कुछ भाग ढक लेते हैं, क्लियर है आपको, यानी कि कुछ ऐसे, और ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं अतिव्यापन क्षेत्र, और अतिव्यापन क्षेत्र दोनों के लिए उपलब्ध रहता है। इसको ये वाला परमाणु भी उपयोग करेगा और इसको ये भी उपयोग करता है, और इसी अतिव्यापन क्षेत्र में रखे जाते हैं साझे के इलेक्ट्रॉन। तो आप देख पा रहे हैं मैं इस एच को ढकता हूं, तो इस रिंग को देखिए, इस गोले को देखिए, इस गोले के अंदर आपको दो इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, यानी इस एच के पास दो हो गए। अब मैं इसको ढक लेता हूं तो इस एच के पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी प्रत्येक एच परमाणु इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बारी बारी से यूज करेगा और उसके बाह्यतम कोष में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि दोनों एच परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसको एकल रेखा से दिखाते हैं। तो जो आप यहाँ पे एकल रेखा देख रहे हैं, एक सिंगल रेखा देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं एकल सह संयोजक बंध। इसको बोलते हैं एकल सह संयोजक बंध, क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना है। क्या ये क्लियर है आपको? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी से बना है और इसको बच्चों सिग्मा से दिखाते हैं, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं O2 की। तो आप जानते हैं कि O2 के अंदर दो O परमाणु आपस में जुड़ेंगे, एक O परमाणु का परमाणु क्रमांक 8 होता है और आप देख पा रहे हैं कि इसके 22 का अष्टक पूरा नहीं हुआ है। अष्टक पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। देखिए क्या होगा, एक ओ परमाणु कक्षक आया, यहाँ पे दूसरा ओ परमाणु कक्षक आया, और आपको पता है कि ओ के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने बनाया लुईस संरचना इस ओ परमाणु की, बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये हो गए बच्चों ओ परमाणु कक्षक। अब आप देखिए दोनों ओ परमाणु कक्षक हैं, अधूरे होना चाहते हैं पूरे। तरीका क्या है, साझेदारी। अगर ये दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे तो 8 इसके हो जाएंगे और 8 इसके हो जाएंगे, और वह बंध जो इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से बनता है, यानी एक एक, दो दो, या फिर तीन तीन, तीन से ज्यादा की साझेदारी कभी भी नहीं होती। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों क्या करेंगे आपको पता है, अब होगा अतिव्यापन। अतिव्यापन में क्या होता है बच्चों, दोनों परमाणु जो होते हैं, दोनों परमाणु अपने कक्षकों का कुछ भाग जो है वो ढक लेते हैं, और ये जो होता है ये भाग कहलाता है अतिव्यापन क्षेत्र। और अतिव्यापन क्षेत्र को दोनों परमाणु कक्षक, दोनों परमाणु उसका उपभोग करते हैं और इसी में रखे जाते हैं साझे के इलेक्ट्रॉन। तो आप मुझे बताओ कि कितने कितनी साझेदारी हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, दो इलेक्ट्रॉन ये वाला रखेगा और दो इलेक्ट्रॉन साझे के लिए ये वाला रखेगा। कहाँ रखे जाएंगे, अतिव्यापन क्षेत्र में। तो ये देखिए बाकी बचे यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन युग्म
युग्म माने होता है जोड़ा, तो आप देखिए मैंने इसको ढक लिया है, तो इस वाले को देखिए यहाँ पे इस ओ के कितने हो गए, 2, 4 और 4, 8, यानी इस ओ के हो गए हैं अष्टकोण। अब इसी प्रकार इस ओ को देखिए 2, 2, 4 और 4, 8, इस प्रकार दोनों ऑक्सीजन के अष्टक पूर्ण हो चुका है। अष्टक पूरा कैसे हुआ, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, बराबर की साझेदारी से। तो उसको कैसे दिखाएंगे बच्चों, यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो दोनों के बीच बंध कैसा बनेगा, इस बंध को दो सीधी रेखा से दिखाते हैं। इन दो रेखाओं को देखो, इसका मतलब क्या है, द्विव सह संयोजी बंध, इसका मतलब हुआ द्विव सह संयोजी बंध। डबल का मतलब होता है एक सिग्मा और एक पाई, समझा भाई, ध्यान रखिएगा। सिंगल का मतलब क्या होता है, सिग्मा, और डबल का मतलब होता है एक सिग्मा और एक पाई, आगे बात करेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ से वाटर की, तो वाटर में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जिसका संख्या कम होती है, आप देख पा रहे हैं जल H2O की बात करें तो यहाँ पे H के दो परमाणु हैं, O का एक परमाणु है, जिसके परमाणु कम होते हैं, ध्यान रखिएगा जिसके परमाणु कम होते हैं वो हमेशा बनता है, वो हमेशा केंद्रक में आता है, और जिसकी संख्या ज्यादा होती है वह बही केंद्रक, यानी जो केंद्र में रहेगा परमाणु उसके चारों तरफ बाहर की तरफ रहेगा H, क्योंकि संख्या इसकी है ज्यादा, जिसकी संख्या कम है वो रहेगा केंद्रक में। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्लियर हुआ आपको, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। आपको पता है कि H के बाह्यतम कोष में एक होता है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 होते हैं, तो आप ये बताइए यहाँ पर कि बच्चों क्या H स्थाई है, नहीं, क्या O स्थाई है, नहीं। H को स्थाई होने के लिए बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, लेकिन बाकी शेष तत्वों के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, तो दोनों कैसे, आधे अधूरे होना चाहते हैं। पूरे तरीका क्या है, साझा, और जो बंध साझेदारी से बनता है परमाणुओं के मध्य वह कहलाता है सह संयोजक बंध। तो आइए देखिए, मैं यहाँ पे एक स्टेप ये वाला मिस कर रहा हूँ और सीधा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो मैंने बताया था कि जिसकी संख्या कम होती है वो हमेशा केंद्र में आता है, तो ये मैंने क्या बना दिया, ओ परमाणु कक्षक, और बच्चों ये मैंने क्या करा दिया, ये मैंने करा दिया अतिव्यापन, क्लियर है। और ये परमाणु कक्षक किसके हैं, एच के, तो इन दोनों के मध्य क्या हो चुका है, अतिव्यापन, और अतिव्यापन क्षेत्र में क्या रखे जाएंगे, साझे के इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं ये किसने रखा, ऑक्सीजन ने, कहां पर, अतिव्यापन क्षेत्र में, जिसको दोनों उपयोग करते हैं, इस अतिव्यापन क्षेत्र में साझे के इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। और आप देखिए यहाँ पे ये आपको दो कलर दिखाई दे रहे होंगे, तो जो ऑरेंज से गोला दिखाया है, गोले वाला इलेक्ट्रॉन, ये किसका है, एच परमाणुओं का है, और जो क्रॉस येलो से दिखाया, पीले रंग से दिखाया, वो किस इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का। अब मैं इसको ढक लेता हूं, तो आप देखिए कि मैं इन दोनों H को आप कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए और केवल इस गोले को देखिए, यानी इस परमाणु कक्षक को देखिए, O के साझे के बाद O के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, 8, यानी ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो चुका है। अब बच्चों कुछ देर के लिए इस O को ढक दीजिए, केवल इस H को देखिए, तो उसके पास भी 2 दिखाई दे रहे हैं, कुछ देर के लिए आप इस H को देखिए, तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर H का आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब ये बना कैसे है, तो बच्चों मैं इसको दिखाऊं, तो या करके लिखता हूं यहाँ पे, बताइए क्या हुआ, मध्य में कौन है, O है, H के पास और O के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन सजा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का, और एक साझे को हम दिखाते हैं सिंगल रेखा से, एकल रेखा से, तो ये कौन सा बंध बना, ये बना एकल सह संयोजक बंध, और इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा, तो कितने सिग्मा हुए इसके अंदर, 2 सिग्मा बंध है, 2 एकल सह संयोजक बंध है। इस प्रकार आपको ये सारे बनाने हैं, क्लियर है। तो ये था हमारा सह संयोजक बंध का निर्माण, याद रहेगा बच्चों हमेशा। अगर हम लोग बात करें N2 की, तो N2 को भी देख लीजिए, तो N2 परमाणु जो है, N2 जो गैस है, N2 जो यौगिक है बच्चों, ये कैसा है, ये भी सह संयोजक है। यहाँ पर 2 N परमाणुओं के मध्य मैं इसका बनाऊं सूत्र, तो ये कुछ ऐसा होता है, देखिए बच्चों, तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने 2 N परमाणुओं के मध्य 3 रेखा बनाई हुई है। इन रेखाओं से क्या पता चल रहा है कि इनके बीच बना है त्रिसह संयोजक बंध, तो इसको बोलते हैं त्रिसह संयोजक बंध, और ये बना है 3-3 इलेक्ट्रॉनों के साझे से।
क्लियर है आपको बच्चों? कभी भी तीन से ज्यादा की साझेदारी नहीं हो सकती है। अगर कोई कहे कि चार की संभव नहीं है, अधिकतम तीन की, उससे कम दो की और उससे कम एक की, याद रहेगा। अब इस ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है एक सिग्मा और दो पाई, समझा भाई? याद रखिएगा, त्रिसंयोजक बंध का मतलब होता है एक सिग्मा दो पाई, क्लियर? तो ये था हमारा सेट संयोजक बंध, क्या होता है, कैसे बनता है। अब लेते हैं बच्चों सेट संयोजक बंध के प्रकार। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दो प्रकार का होता है, पहला है सम परमाणु सह संयोजी बंध, दूसरा होता है विषम परमाणु सह संयोजी बंध भी बोल सकते हैं, या फिर इसको सम परमाणु सह संयोजी यौगिक भी बोल सकते हैं। इन यौगिकों क्या बोलेंगे, इन यौगिकों बोलेंगे सम परमाणु सह संयोजी यौगिक या पदार्थ, इन पदार्थों बोलेंगे विषम परमाणु सह संयोजी पदार्थ। ये यहाँ पे उदाहरण दिए हुए H2N2O2F2Cl2 आदि। यहाँ पे देखिए H2O HF CH4 CHCl3 CCl4 C6H6 आदि। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो इस अणु के अंदर H2 अणु के दोनों परमाणु क्या है, समान है। यहाँ पे भी दोनों N परमाणु समान है, यहाँ पे दोनों O परमाणु समान है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन अणुओं, ये जो अणु है, पदार्थ है, ये समान प्रकार के एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सम परमाणु सह संयोजी। और ये जो पदार्थ आप देख रहे हैं कहलाते हैं विषम परमाणु सह संयोजी, क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। अब यहाँ पे इन समान परमाणुओं के एक साथ जुड़ा होने से क्या होता है कि यहाँ पर इनकी जो प्रकृति होती है वो परिवर्ती होती है अध्रुवी, यानी कि यहाँ पे कोई ध्रुव नहीं बनेगा। अगर मैं H2O की बात करूं तो H2O में आप देखते हैं यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पे थोड़ा सा आवेश आ जाता है, क्योंकि ये परमाणु जो है, अणु जो है, विपरीत प्रकार के अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना है। यहाँ पे जो ऋण विद्युतीय तत्व होगा उसके ऊपर जो है आंशिक ऋणावेश, और जो तत्व कम विद्युत ऋणी होगा उस पर आंशिक धनावेश आवेश आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इस अणु के अंदर दो विपरीत प्रकार के सिरे बन गए हैं, दो विपरीत प्रकार के ध्रुव बन गए हैं, एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश है, तो इसको बोलते हैं ध्रुवी पदार्थ। क्लियर हुआ, यह परवर्ती ध्रुवी प्रवृत्ति कहलाती है, और यह उन सह संयोजी पदार्थों में होती है जो एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। क्या है, क्लियर है? अगला पॉइंट है बच्चों कि ये जो हमारे सम परमाणु सह संयोजी पदार्थ हैं, ये जल में अविलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में ये घुल जाते हैं। यानी कि मैं अगर यहाँ पे बेंजीन लेके आता हूं, तो बेंजीन जो है वो कार्बनिक विलायक है, उसमें तो ये घुल जाएगा, लेकिन जल में ये नहीं घुलेगा, क्योंकि जल पे क्या होता है, आवेश होता है। क्लियर है? तो ये नहीं घुलेगा क्योंकि इस पे आवेश नहीं होता है। जल में विलय, क्योंकि आवेश आवेश वाले में ही जाएगा, लेकिन ये कार्बनिक विलायकों में अविलय होता है। कौन से पदार्थ, ये सारे पदार्थ। क्लियर हुआ, तो ये आपको स्पष्ट हुआ होगा, ये है हमारा सह संयोजक बंध के प्रकार और उनकी प्रवृत्ति। इस पे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब लेते हैं बच्चों सह संयोजक बंध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जब सह संयोजक बंध बनेगा तो वो कौन से कारक हैं जो इसको बनाने में सहायता करेंगे। तो बच्चों पहला है बंध बनाने वाले परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर या तो शून्य हो या बहुत बहुत कम हो। उनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर ज्यादा होना नहीं चाहिए, या तो बराबर हो या अंतर बहुत बहुत कम होना चाहिए। क्लियर है? परमाणुओं का आकार छोटा होना चाहिए, समान होना चाहिए। जो दो परमाणु आपस में सह संयोजक बंध बना रहे हैं उनका आकार या तो बिल्कुल समान हो या आकार में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एक बहुत बड़ा हो गया और एक बहुत छोटा हो गया, अगर ऐसा हुआ तो वह सह संयोजक नहीं आयनिक बंध का निर्माण करेगा। अब अगला लेते हैं
आयनन ऊर्जा अधिक होनी चाहिए। जो परमाणु आपस में जुड़ने वाले हैं, परमाणु आपस में सह संयोजक बंध बनाने वाले हैं, उनकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक से अधिक होना चाहिए, क्योंकि अगर आयनन ऊर्जा कम हो गई तो बंध बनेगा हमारा आयनिक, और जब आयनन ऊर्जा अधिक होगी तो बंध बनेगा सह संयोजक। तो स्पष्ट हुआ आपको? तो आज हमने सीखा कि आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, हमने सीखा सह संयोजक बंध क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कैसे बनता है, और ये है उसको प्रभावित करने वाले कारक। उम्मीद है आपको स्पष्ट हुआ होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ रसायन माला में। थैंक्स।